इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा शख्स, एक ऐसा युवक मौजूद है जिसने दिग्विजय सिंह के मंच पर जाकर के एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद जो वीडियो बना वो देश भर में वायरल हो गया। वो शख्स, वो युवक 20 साल का अमित माली है, जो भोपाल के पास ईटखेड़ी गांव में रहता है। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसके घर पर ही हम इससे बात करते हैं। अमित, क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम एक बार बताएं, कब ये सभा हुई थी, क्या सवाल उन्होंने पूछा था और आपको गुस्सा क्यों आया? उन्होंने सवाल किया था कि किस के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं, तो मैंने हाथ ऊंचा कर दिया, हाँ मेरे अकाउंट में आए। उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया, मैं मंच पे गया, मंच पे जाके मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया, उन्होंने मुझे मंच से नीचे उतार दिया। बात तो 15 लाख की हुई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र क्यों किया आपने? मैं मोदी जी से प्रभावित हुआ ना कि सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें मेरे 15 लाख अदा हो गए। 15 लाख वसूल होगा उससे जी? आपको 15 लाख नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आपको दिग्विजय सिंह पसंद नहीं है जो आपने इस तरीके से मंच पर जा करके उनके जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो? मैं किसी पसंद ना पसंद से मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। पार्टी से नहीं है तो आज आपको बीजेपी ने क्यों बुलाया? भोपाल में आपका सम्मान भी हुआ है। उन्होंने बुलाया था कि आप बीजेपी ज्वाइन करोगे, मैंने मना कर दिया। आपने मना कर दिया जी? क्या आप अभी करते क्या हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य में अगर दूसरा कोई ऑफर आता है बीजेपी से या किसी और पार्टी से? अभी तो कुछ नहीं सोचा। राजनीति में जाने के बारे में सोचा? अभी कुछ नहीं सोचा। क्या बनना चाहते बड़े हो? ऑपरेटर बनना। ऑपरेटर? ऑपरेटर जी। और अच्छा ये बताइए कि दिग्विजय सिंह कैसे लगते हैं आपको? दिग्विजय सिंह कैसे व्यक्ति लगते हैं आपको, कैसे नेता लगते हैं? और वो भी भोपाल से, क्योंकि खड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव। अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे, क्या अच्छा लगा? आप तो कह रहे हैं गुस्सा आ गया उनकी बात सुन के। तो बोला ही ऐसे ना। मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? आप कह रहे हैं आप उनसे प्रभावित है, क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? क्या उनकी भाषण शैली अच्छी लगती है, या जो काम उन्होंने किए हैं सरकार में रह करके वो अच्छा लगता है, या क्या चीज़ आपको ऐसी अच्छी लगी जो उनके लिए आप कांग्रेस के मंच पर ही जाकर के कांग्रेस के खिलाफ ही बात कराए? मोदी जी एकता की बात करते हैं, वो सभी को साथ लेके चलते हैं, इसलिए मैं उनसे प्रभावित हूँ। आज आप गए थे बीजेपी दफ्तर, आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी में आने की बात उन्होंने कही, आपका सम्मान भी वहाँ पे किया, और कुछ क्या कहा वहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े नेता थे वहाँ पे? कुछ नहीं, बस सम्मान किया। अच्छा, अभी चुनाव भी होने, दिग्विजय सिंह के लिए क्या कहना चाहिए? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। मोदी जी के लिए क्या कहना? मोदी जी एक हिसाब से अच्छे हैं। मिलना चाहेंगे उनसे? जी हाँ। अच्छा है जी। आप उनको कभी देखा है आसपास, उनकी किसी रैली में गए हो, सभा में गए हो? भोपाल में एक दो बार आए? भोपाल की रैली में देखा है एक बार। हाँ। आपको पता है आपका वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी मिली? हाँ। आप गए अपने घर से बाहर, कई लोगों से मिले, किसी ने बताया आपको इस बारे में? हाँ बताया। बताया? हाँ। मंच पे तो आप खुल करके बोल रहे थे, फिर यहाँ इतना डर डर के क्यों बोल रहे हैं? उस टाइम उत्साह था उस टाइम, अपने आप में पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद कुछ बात हुई मंच के बाद, किसी कांग्रेस के किसी नेता ने आपसे कोई बात की हो? नहीं, किसी से नहीं। कोई बात नहीं। अभी तो लेकिन चुनाव का वक्त है, नेता तो आएंगे ऐसे, फिर आरोप लगेंगे, मोदी जी पे भी लगेंगे, बीजेपी लगेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाएंगे, फिर आप तब भी मंच पे जाके इस तरीके से कुछ बोलेंगे? नहीं। आप नहीं बोलेंगे? नहीं। चलिए, तो ये थे अमित माली, 20 साल के, जो भोपाल के पास ईटखेड़ी गांव में रहते हैं। यही वो युवक है जिन्होंने दिग्विजय सिंह के मंच पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, 15 लाख की जब बात हो रही थी, उसके बाद वो वीडियो देश भर में वायरल हो गया। ऑफर मिला है बीजेपी से अमित माली को बीजेपी में आने का, लेकिन अमित ने फिलहाल साफ कर दिया कि वो अपनी पढ़ाई अभी जारी रखना चाहता है, राजनीति में जाने की उसकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये बात आज तक से बात करते हुए अमित ने साफ कर दी कि उसकी प्रबल इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार ज़रूर मिले। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।